सावन महीना लगने वाला है और सावन महीने की रंगत जो है वो दिखने लग गई है। बागों में हो या मंदिरों में विभिन्न स्थानों पर ये महिलाएं भजन कर रही हैं, कीर्तन कर रही हैं और सखियों के साथ में खूब घूम भी रही हैं। जिस तरह से आयोजन हो रहे हैं बहुत ही आनंद का अनुभव कर रही हैं सभी। बताओ क्या कार्यक्रम कर रहे हैं आप? हम सभी सुथार समाज की महिलाएं इकट्ठी हुई हैं आज मंदिर सीताराम जी का मंदिर मिठाराम जी का मंदिर वहाँ सब एकत्रित हुए हैं और हमने राजभोग का आयोजन किया है। आज सभी मिलकर सभी महिलाओं ने निर्णय किया है कि महीने में एक बार हम सभी विश्वकर्मा सुथार समाज की महिलाएं आज हम करीब हम 150 औरतें हैं 150-200 तो सबने मिलकर राजभोग कराया मिठाराम जी के मंदिर में और सबने भजन कीर्तन किया और नाच गान किया और सबने फिर बाद में भोग चढ़ाया गया ठाकुर जी को और प्रसाद वितरित किया गया और सभी ने सत्संग किया और सभी ने अच्छे से इंजॉय किया। बड़े अच्छा से बहुत अच्छा महोत्सव रहा और हर महीने ये चलने वाला है आगे भी और सावन महीने में तो और जोर जोर से सत्संग होगा और गुलाबबाग में सबको मतलब इकट्ठा होंगे और काफ़ी सारे लोग आएंगे और जुड़ेंगे। कैसा आनंद आता है? समाज की सभी महिला वर्ग ने निर्णय किया कि हम प्रत्येक महीने एक ठाकुर जी के राजभोग करवाएंगे। पिछले महीने हमने नातेद्वारा में करवाया था और अभी आज हम मिठाराम जी का मंदिर करवा के आए हैं और नेक्स्ट मंथ हमने गुलाबबाग रखा है तो इस तरह से हम वो नेक्स्ट मंथ हम लेरिया पहन के सब जाएंगे वहाँ गुलाबबाग में। काफी अच्छा प्रोग्राम रहेगा। सभी ने निर्णय लिया है कि भाई फागुन उत्सव है, फागुन लग रहा है, सावन लग रहा है तो उसमें लहरियों का रखा आनंद रहेगा तो जैसा जैसा हरियाली होगी वैसे वैसे ही सबके साड़ियों का रंग भी वैसा ही रखा गया है, उसी तरह से चुना गया है। अगर हरियाली होगी तो सब तरफ हरे हरे दिखेंगी सभी लेडीज तो वहाँ पर इस तरह का प्रोग्राम रखा है। होते रहे आगे भी ये प्रोग्राम रहेंगे। सबसे निवेदन है कि सभी आगे आके सहयोग करें और इस प्रोग्राम को अच्छा और जोर शोर से होगा। नेक्स्ट मंथ सावन महोत्सव भी मनाया जाएगा। जय I'm not afraid to die।